मोदी द्वितीय पाली सरकार प्रथम संप्रसारण चर्चा दिल्ली में बढ़ुच्छे नेता गहली आज अपराह एने घोषणा होबार संभावना रही है। वर्तमान सरकार में 53 जन मंत्री थिबा बेले आउ 28 टी पद खाली रही है। वर्तमान प्रधानमंत्री बासभवन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गृहमंत्री अमित शाह आसाम पूर्वतन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल प्रमुख पहुंची सारी संध्या 6टा नुआ मंत्रिमंडल शपथ नहीं पारते। ज्योतिरादित्य सिंधिया अजय मिश्र राजेन्द्र अग्रवाल वरुण गांधी राजीव रंजन नारायण राणे सुशील मोदी मीनाक्षी लेखी रीता बहुगुणा जोशी प्रमुख चर्चा जोर धरी। ओडिशारु अश्विनी वैष्णव और विश्वर टुडू ना को नहीं चर्चा जोर धरी। अंपटे नुआ मंत्रालय मिनिस्टर कॉर्पोरेशन दायित्व कहाँ पाखरे रहिबा मध्य नजर रही। आगको पांचटी राज्य में निर्वाचन थिबारे फोकस रहीपे तेज उत्तर प्रदेश गुजरात मणिपुर पंजाब उत्तराखंड में निर्वाचन होगा। इन्हें अधिक सूचना पाई आम सहित दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल जोड़ी रही। गगन जो कथा कहा जाता अर्थात आउ किसी समय अपेक्षा जेहेतु दिल्ली में देखु आम जे नेता मंत्री सेठे गहली जमुई दबदबा आज जमुई कितु ए सबु भितर के मंत्री ना रु कहार ना बाद दिज्व ए सबू भितर गोटे आशा आशंका कौन प्रकृत ये आशा आशंका तो चर्चा रे अनेक मंत्री ना रही किंतु टीम मोदी आसब कि अर्थात ये टीम मोदी रे क्या सुजोग मिल ये द्वितीय पाली सरकार प्रथम संप्रसारण चर्चा दिल्ली में बढ़ुच्छे नेता गहली आउ किसी समय अपेक्षा अर्थात आज अपराह एने घोषणा होबार संभावना रही है। वर्तमान सरकार में 53 जन मंत्री थिबा बेले आउ 28 टी पद खाली रही है। वर्तमान प्रधानमंत्री बासभवन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गृहमंत्री अमित शाह आसाम पूर्वतन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल प्रमुख पहुंची सारी तेज संध्या 6टा नुआ मंत्रिमंडल शपथ नहीं पारते। आगको पांचटी राज्य में निर्वाचन थिबारे फोकस उत्तर प्रदेश गुजरात मणिपुर पंजाब उत्तराखंड में निर्वाचन होगा फोकस रखी। अंपटे नुआ मंत्रालय मिनिस्टर कॉर्पोरेशन दायित्व कहाँ पाखे रहा नजर रही। अनेक प्रमुख नेता चर्चा जोर धरी बेले अनेक मंत्री को बाद दिया जाए पारे जहां आशा आशंका करा किंतु ए सबू भितर पुनच्छेद पड़ा आ कि समय पर अर्थात आज अपराह एने घोषणा कर वर्तमान सरकार में 53 जन मंत्री थिबा बेले आउ 28 टी पद खाली पड़ी। प्रधानमंत्री बासभवन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंची सारी गृहमंत्री अमित शाह पहुंची सारी आसाम पूर्वतन मुख्यमंत्री पहुंची सारी जो चर्चा जोर धरी विशेषकर ज्योतिरादित्य सिंधिया अजय मिश्र राजेन्द्र अग्रवाल वरुण गांधी राजीव रंजन नारायण राणे सुशील मोदी मीनाक्षी लेखी रीता बहुगुणा जोशी प्रमुख ना चर्चा बेस जोर धरी। अंपटे अनेक मंत्री नाम बाद दि जाए जहां सूचना आसी पहुंचुच्छ वर्तमान जो चित्र आपने देखुं जड़े पर जड़े मंत्री आसी पहुंचुच्च अर्थात प्रधानमंत्री बासभवन राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंची सारी इन्हें अधिक आलोचना आम सहित गगन विश्वाल प्रतिनिधि फोनलाइन में जोड़ी रही। गगन जो आशा आशंका कर किसी समय अपेक्षा रही दिल्ली में आम देखु नेता मंत्री गहली जमुई बेस दबदबा जमुई एसबू भितर कौन आशा आशंका कर प्रकृत में क्या सुजोग मिल देखो निश्चित भाव बर्तमान देखिए प्रधानमंत्री बासभवन जो बैठक था से बैठक बर्तमान गोटे प्रकार शेष होती तेज निश्चित भाव नेता जो मैंने भितर थे बर्तमान बाहर को आसवा लगे निश्चित भाव ट्राए करवा किसी प्रतिक्रिया ना जो थे कि आम देखी जो एंट्री होते सब नेता से दिल्ली सांसद मीनाक्षी लेखी कथा कहतु आसाम पूर्वतन मुख्यमंत्री जी रही सर्बानंद सोनोवाल कथा कहतु ओडिशार जे राज्यसभा सांसद रही अश्विन वैष्णव कथा कहतु अनेक नेता अश्विन वैष्णव कथा कहतु अनेक नेता भिड़ देखा मिलता प्रधानमंत्री आवास रे एवं जहाँ बर्तमान कनफर्म आसी राष्ट्रपति भवन रे जो संध्या 6टा शपथ ग्रहण उत्सव रही सामिल होती शेष थर पर हम प्रधानमंत्री आवास रू कल जाने आसी प्रधानमंत्री को भेटी बर्तमान गोटे प्रकार प्रधानमंत्री सहित से बैठक शेष होती बाहर को आसवा लगी
ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ନୂଆ ମୁହଁ ବା ନୂଆ ଚେହେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଦେଶବାସୀଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଏବଂ ଦେଖିଲେ ନୂଆ ଯୋଉ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରିସଫଲ ହେଉଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟର୍ମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟର୍ମର ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଏ ରିସଫଲ ହେଉଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ଦେଖିବେ ଯଦି ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ଖାସ କରି ଯୋଉ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମଣିପୁର ପଞ୍ଜାବ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ତେଣୁ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରଖାଯାଉଛି ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ରଖିକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଯୁବାବର୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଫୋକସ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଯାହା ଇନଫରମେସନ ଆସୁଛି ପାଖାପାଖି 25-24 ନେତା ଏବଂ 10 ଜଣ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଏସ୍ସି କମ୍ୟୁନିଟିରୁ 10 ଜଣ ଏସ୍ସି କମ୍ୟୁନିଟିରୁ 10 ଜଣ ଏବଂ ଯୁବବର୍ଗକୁ ଖାସ କରି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅଧିକ ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଯିଏକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିକି ସେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସହିତ ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି ତେଣୁ ଇଏ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ନାଁ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି ଏବଂ ୟାପରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁଧୁ ଯିଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କନଫର୍ମେସନ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଯେ ଆସି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଯେହେତୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେମାନେ ଭେଟିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ରହିଛି ଯେହେତୁ ନୂଆ ମୁହଁ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଲିଭାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମ୍ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ ନିହାତି ଭାବେ ନୂଆ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଆଗରେ ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ଅପେକ୍ଷା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ